अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अवेसी साहब, हिंदुस्तान में सियासत तो कई वजह से करते हैं। सियासत सरदारी की वजह से लोग करते हैं, सियासत दौलत की वजह से लोग करते हैं, सियासत शोहरत की वजह से लोग करते हैं, सियासत इज्जत के हुसूल के लिए करते हैं। लेकिन MIM का ये लीडर आपके दरमियान में है मेरे भाई आया, मैं आपको कह सकता हूँ इस वक्त इस पाकिदा माहौल में कि अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत करीब से उस शख्स को देखा है। शोहरत उनकी सलाहियत ने उन्हें बहुत दे दी है, बैनुल अक्वामी शोहरत अल्लाह ने उसे दी। उसकी इज्जत आज भी ऐसी है कि आज भी अपने शहर में निकलता है तो शहर के लोग तरसते हैं देखने के लिए। दौलत भी अल्लाह ने ऐसी दी है कि करोड़ों में वो सब ज़कात निकालता है। वो शख्स जो आज पूरे हिंदुस्तान में फकीर की तरह दामन फैला हुए लड़ रहा है, वो हमारी और आपकी बेबसी की लड़ाई लड़ रहा है। अवेसी की सियासत का एक ही तकाजा है कि इस वक्त मुसलमानों को, दलितों को, कमजोर तबकात को इंसाफ दिलाना और उनकी खिदमत करना मेरी इबादत है। वही सियासत लेकर अवेसी आपके दरमियान में आया है। हम आपको ये कहने के लिए आए कि इस वक्त भी आपको एक खौफ दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को हराना है। यकीन है कि बीजेपी को हराना है। कौन गैरतमंद है जो बीजेपी को जिताना चाहे? जिसके अंदर के इंसान मर गया होगा वही बीजेपी को जिताना चाहेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। क्यों? एक जो हमको बीजेपी से नफरत है, आपको बीजेपी से नफरत है, वो नफरत इसलिए भी है कि बीजेपी का नाम जब लब पर आता है तो गुजरात की वो खूनी तारीख का मंजर हमारे सामने होता है। गुजरात की वो भयानक, गुजरात की वो शर्मनाक और अर्मनाक तस्वीर हमारे सामने में होती है। माँ सामने में खड़ी है, बेटी को बेआबरू किया जाता है, जवान भाई सामने में खड़ा है, उसकी बहन की इज्जत टूटी जाती है। 8 महीने 9 महीने की हामला औरत के पेट को चाट करके उसके बच्चे को आग में फेंका जाता है, बच्चों के सामने में उसके बाप की गर्दन काटी जाती है, लाशों को जलाया जाता है। मेरे भाई, गुजरात का नाम जब आता है, बीजेपी का नाम लब पर आता है तो अपनी बहनों की लूटी हुई इज्जत की चीख हमें सुना दी देती है, उनके लाशों के जलने का मंजर हमारे सामने में होता है। यानी आपके दिलों में यकीन है कि गैरत बाकी है। हमारे वो नौजवान जिनकी उम्र 2002 में 5-7 साल की रही होगी, आज 25 साल के हो गए, किसी का झंडा फेंक लेते हैं। मैं उन नौजवानों से कहता हूं कि नौजवान अपने बाप और दादा से पूछो कि 2002 में गुजरात में क्या हुआ था। आप इसलिए भी नहीं लोगे कि इस बस्ती में सारे लोगों के अपने घर हैं। एक गोबर का ओपला कोई तुम्हारे घर में फेंक दे, गुस्सा तो हो जाओगे, लेकिन अगर वो शरीर मस्जिद में फेंक दे तो आपका गुस्सा कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि एक मुसलमान जिसका ईमान ताजा है, जिसको अपनी शरीयत से मोहब्बत है, वो अपने घर से ज्यादा अपने खुदा के घर से मोहब्बत करता है। मैं बीजेपी को इसलिए भी वोट नहीं दूंगा कि इसी गंगा जमनी तहजीब और इसी हिंदुस्तान में यही आडवाणी है, यही मुरली मनोहर जोशी है, यही मर गए वो आपके वाजपेयी, इन लोगों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान में रथ यात्रा निकाला, नफरत के रथ का यात्रा, और उस रथ यात्रा की अगुवाई यही मोदी कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा की और बाबरी मस्जिद, हमारी तारीखी मस्जिद को तोड़ दिया गया। मस्जिद को तोड़ने पर इनको फख्र हुआ, इनको भी फख्र हुआ, और बंबई में बैठे हुए जो ठाकरे हैं उसने भी कहा कि मेरा सीना ठंडा हो गया कि मेरे सैनिकों ने जाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। यकीन है कि गुजरात के दंगाई को भी हम वोट नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद के तोड़ने के वालों को वोट नहीं देंगे। आपके इस फैसले को हम सलाम करते हैं। लेकिन चलो तो जरा सा कि बाबरी मस्जिद तो तोड़ी गई कब मालूम है? 1792 में। लेकिन बाबरी मस्जिद में ताला कब लगा था? मुल्क आजाद हुआ था 1947 में, और 1.5 साल ही सिर्फ हुए थे आजादी के, बाबरी मस्जिद में ताला लगा था। मैं अपने बुजुर्गों से गवाही चाहता हूं कि उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पर कौन बैठा था? आवाज से लगा बोलिए जरा सा, कांग्रेस। बाबरी मस्जिद को ताला किसने लगाया? झगड़ा किसने शुरू की? कांग्रेस, पंडित नेहरू ने। बाबरी मस्जिद का ताला कब टूटा? 1986 में। दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस, राजीव गांधी की। और जब बाबरी मस्जिद 1992 में तोड़ी जा रही थी तो दिल्ली में बैठकर शैतान की तरह ये तमाशा कौन देख रहा था? वो मनहूस नरसिम्हा राव। किससे रिश्ता था उसका? कांग्रेस का वजीर आजम था। आज जो कैब आया है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया है, एनआरसी की जो तलवार आप पर लटक रही है, 1986 में सबसे पहले आसाम में इसको लागू किया गया। किसकी हुकूमत थी? राजीव गांधी की हुकूमत थी। यकीन है कि गुजरात के अपने माओ बहनों की जली हुई तस्वीर आपके सामने में ताजा है। लेकिन लकड़वाड़ा के लोगों,
भागलपुर में आपके रिश्ते नाते जरूर रहेंगे। 1989 में आप याद करो जरा सा, भागलपुर में हमारे 4000 नौजवानों को कपड़ों में सुला के जिंदा गाड़ कर उसके सीने पे गोभी की खेती की गई थी। बिहार पे किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की हुकूमत थी। आप चलो जरा मीरठ की तरफ, मलियाना की तरफ, जब फसादात हुए, आपके यहाँ जमशेदपुर में जब फसाद हुआ, बिहार में किसकी हुकूमत थी? वही कांग्रेस की। मुरादाबाद के हमारे बर्तन के सलम को लूटा गया, आपके रेशमी शहर को लूटा गया, भागलपुर को, हुकूमत कांग्रेस की थी। नीली आसाम में लोगों की गर्दनें काटी गई बेशुमार, कांग्रेस की हुकूमत थी। तो आखिर कांग्रेस की इस कत्ल में कौन सा इंसाफ हमको नजर आता है कि उसको वोट देने के लिए लट्टू हो गए हो लोगों? क्या आपको मालूम नहीं कि यही कांग्रेस आज हमारी मस्जिद को तोड़कर दिल ठंडा करने वाले ठाकरे की पार्टी के साथ मिलकर यूपी में हुकूमत कर रहा है? और अगर यही महाराष्ट्र में हुकूमत कर रहा है, और अगर यही कांग्रेस होती, कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई महाराष्ट्र में कि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद 1992 में जो फसाद हुआ मुंबई में, उसमें तमाम लोगों का, बाल ठाकरे के लोगों का हाथ था। कांग्रेस ने कृष्णा कमीशन को टेबल नहीं किया, इन जालिमों को सजा नहीं। 2004 में जो कांग्रेस को हुकूमत मिली थी, वो हमारे खून के सदके में मिली थी। गुजरात में हमारे खून के बाहर भाया गया, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कसमें खाई कि हम इस वक्त कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। और 2004 में जिताया कि नहीं हमने, UPA 1 की हुकूमत बनी कि नहीं, UPA 1 की हुकूमत बनी। अगर उस वक्त गुजरात के 2002 के दंगे का हिसाब ले लिया जाता, तो मोदी और आपका ये अमित शाह आपके खिलाफ ये कानून नहीं बनाता, बल्कि जेल के सलाखों में उसको रखना पड़ता। इनको जो जुल्म करने की आजादी दी, उसका भी नाम कांग्रेस। हाँ, आप कहेंगे कि फिर किसको वोट देते? मैं उसकी मिसाल देता हूं कि देखो, शादी के 10-12 साल हो गए किसी औरत के, और बच्चा नहीं आया उनके गोद में, तो क्या करती है वो? पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती कि नहीं? कोई भीख मांगने आई औरत तो उनके बच्चों को भी छीन कर गोद में लेती कि नहीं? औरत की बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश बच्चों को गोद में लेने की होती। लेकिन ये बताओ कि 12 साल के बाद अगर कुदरत उनके आगोश औलाद दे दे, और औलाद भी काला कलोटा नहीं खूबसूरत दे दे, तो क्या वो औरत पड़ोसन के बच्चे को गोद देगी या अपने बच्चे को गोद देगी? पड़ोसन के बच्चे की पेशानी चूमेगी या अपने बच्चे की पेशानी चूमेगी? बोलो तो जवानों, बच्चे तुम्हारे नहीं है, देखते तो हो कुमत है ना, क्या अपने बच्चों को मिले? तो मैं कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे बूढ़े कहते हैं कि कांग्रेस हमारी खानदानी पार्टी है, तो कांग्रेस का जो सीजरा आपके सामने में रखा, यह आपका खानदान हो सकता है? आपका खानदान कांग्रेस नहीं, आपके लहू में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लहू है। इब्राहिम का लहू तो नमरूद के खिलाफ आग में कूदने का जज्बा रखता है, और ये कांग्रेस से जो खानदान कहता है अपने आप को, तो शर्म होनी चाहिए कि उस खानदान से कोई अपना रिश्ता जोड़े। मेरे भाई मौलाना यहां पर बैठे हुए, शरीयत का एक उसूल है, हालत इस्तरार कहते हैं। हालत इस्तरार कहते हैं कि रेगिस्तान में आदमी हो और वहां पर प्यास के मारे उसकी जान निकल रही हो, हल फुस हो रहा हो, और शराब भी हो, ताड़ी भी हो, तो तकवा यह है कि कराहियत के साथ शराब नहीं ताड़ी को पीकर दो घोट अपनी जान बचा ले। क्या मौलाना तस्दीक करते हैं? मौलाना सही लाकर। लेकिन बोलो, उसी शराब और ताड़ी के वक्त जगह पर अगर साफ पानी आ जाए तो क्या कहेगा कि नहीं मौका है, पी ही ले, या फिर पानी की तरफ हाथ बढ़ाएगा? तकवा है तो शराब और ताड़ी को उगल देगा और पानी को अपने लब से लगाएगा। कल तक तुम्हारे सामने में कोई पार्टी नहीं थी नौजवानों, मजबूरी थी कि तुमने शराब की जगह पर ताड़ी का इस्तेमाल किया था। आज तुम्हारे सामने साफ शफाफ पानी है, वो बाज और बाज बाज नहीं है, बल्कि चौधरी के शान से भी ज्यादा हसीन और शेर से भी ज्यादा दिलेर उसके आगोश में निकल है, जिसका नाम बैरिस्टर सोहिन अवैसी। बैरिस्टर सोहिन अवैसी आपके वोट का तलबगार ही नहीं, आपके वोट का वो हकदार भी। हकदार क्यों है? हकदार इसलिए है, कांग्रेस के इन लोगों से पूछो कि मैंने तुमको वोट दिया, तुमको गद्दी दी, तुमने हमको क्या दिया? सदर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों की आबादी के अखबार से उनकी तालीमी हालत अच्छी थी और मुल्क की आजादी के वक्त 23% उनकी मुलाजमत थी, और आज घटकर वो मुलाजमत कहां आ गई? 3-4% मुलाजमत आ गई। किसने पहुंचाया इस जगह पर? इन 70 सालों में 56 साल कांग्रेस की हुकूमत रही। जिस कांग्रेस ने तुमको गड्ढे में डाला, वो तुम्हारा शफीक और मेहरबान कभी नहीं हो सकता। उनसे पूछो जरा एक बात तो बताओ, मैं लकड़ मारा आया हूं आपकी बस्ती में, फरियाद की और आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। अगर आप मुझे बोलने नहीं देते यहां पर,
मेरी बस्ती में भी आप जाते तो मैं बदला लेता कि नहीं? जब तुम मुझे अपनी बस्ती में बोलने ले लियो साहब, मैं भी अपनी बस्ती में बोलने ले लियो। ये तो करते हो मोहरम के अखाड़े निकलते हैं, तो मोहरम का अखाड़ा अगर तुम्हारा किसी बस्ती में घुसने ले लिया तो उसका अखाड़े को अपनी बस्ती में घुसने देते हो? नहीं देते हो ना? तो मामला ये सुनो कि जब हमारा इस मुल्क में क्या हुआ, जो मैंने ये खूनी वाकया सुनाया, हमारी जाने गई, हमारे माल लूटे गए, लेकिन मोमिन उसका नाम है कि अपने जान और माल से ज्यादा अपनी शरीयत, अपने रसूल, अपने खुदा और अपने ईमान से मोहब्बत करता है। ये नहीं है, तख्त मांगो तो तख्त दे देंगे हम, ताज मांगो तो ताज दे देंगे हम, जमीन दे देंगे, गर्दन एक बार नहीं 100 बार कटवा देंगे, लेकिन अपने शरीयत, अपने रसूल के नामोस और अपने खुदा के दीन पर जरा बराबर तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्दन कटा सकते। लेकिन ये बताओ, जब तलाक बिल की पेशी हुई पार्लियामेंट में तो हमारी शरीयत पर हमला था कि नहीं था? मैंने नहीं कहा कि कपिल सिब्बल तू बोल, मैंने ये नहीं कहा कि सोनिया तू बोल, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल तू बोल, मैंने कहा वोट हमारा है, लीडर हमारा है, हमारा मौलाना सौलत काशी बोलेगा, जिनको तफक्कुह दीन हासिल है उसको, उसको शरीयत का इल्म है, वो हमारी रहनुमाई करेगा। लेकिन जानते हो क्या नौजवानों, पता है तुमको? नहीं हो तो मोबाइल में तलाश कर लेना, वो शहादत मिल जाएगी। अल्लाह मौलाना को मफर मौलाना की मफरत फरमाए और उनके कब्र को नूर से भर दे। मौलाना ने बोलना चाहा लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बोलने नहीं दिया। बाहर जब आए मौलाना तो लोगों ने नाराजगी का इजहार किया, तो मौलाना ने नमनाक आंखों के साथ, उदास चेहरे के साथ, दबी हुई मायूस आवाज के साथ जो बयान दिया है आज भी तुम्हारे मोबाइल में है। मौलाना ने कहा मैं बोलना चाह रहा था, ये बिल शरीयत के खिलाफ, ये बिल औरतों के हुकूक के खिलाफ, ये बिल इंसानी हुकूक के खिलाफ, ये बिल हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ मैं बोलना चाह रहा था, मेरी पार्टी ने बोलने की इजाजत नहीं दी। अगर ये गैरत जिंदा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने जाती मुलाजिम छोड़ो। अगर अपनी शरीयत से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के आईन से मोहब्बत है, तो जिस कांग्रेस के लोगों ने हमारे एक आलिम दीन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, वो भी लकड़ मारा में भी उसको गणेशी को बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये जज्बा जिस दिन पैदा कर लोगे, हार और जीत तो अपनी जगह है, तुम्हारी बस्ती के लोग घबराएगा कि उस बस्ती के लोग सर झुकाने वाले लोग नहीं। लोगों ने कहा सर बचाना बहुत जरूरी है, तो जिंदगी तो खुदा ने दी है, मौत भी उसी खुदा के कब्जे में है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है तो नमरूद ऐलान कर देता है, फिरौन ऐलान कर देता है कि किसी बेटे को जिंदा नहीं रहने देना है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करा लेता है। नमरूद चाहता है कि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दे, लेकिन अल्लाह चाहता है तो आग को गुलजार बना देता है। हमारी रूह अल्लाह ने दी है हमको, हमारे गर्दनों की हिफाजत खुदा करेगा, ये कोई कातिल हमारा मसीहा नहीं बन सकता है। मैं आपसे इसको और एक बात कहूंगा, ये इस पर हिंदुस्तान में जुल्म ढाए जा रहे हैं, मॉबलिंग हो रहे हैं, हुजूमी तशद्दुद में मारे जा रहे हैं लोग। अफजादुल बेचारा मजदूर अपने मुसलमान होने पर मारा गया हाफिज जुनेद दाढ़ी और टोपी के नाम पर, कैलू खान मवेशी के नाम पर, अखलाक गोश्त के नाम पर, तुम्हारा तबरेज अपने नाम पर, लेकिन किसने किसी कांग्रेसी को देखी तुम्हारी आवाज उठाया? मारा गया पहलू खान, रोया कौन? अवैसी। मारा गया अफलाक, उनके घर पर हाजिरी कौन देता है? अवैसी। अफजादुल मारा जाता है, पार्लियामेंट में आवाज कौन उठाता? अवैसी। जब तुम्हारे तमाम तर मसायब की आवाज अवैसी उठाता है तो क्या अवैसी तुम्हारे वोट का हकदार नहीं? मेरे भाई एक बात तो और बोलो, हम अपने पाकिदा पेशानियों को भी देखते हैं, आप बुजुर्गों को भी, नौजवानों को भी। नौजवानों ईमानदारी से बोलो, जब पार्लियामेंट की बात सुनते हो मोबाइल में, जब टीवी में मुजाकरे होते हैं, तो अपने लीडर को जब सबके आंख में आंख डालकर बात करते हुए देखते हो, मोदी के आंख में आंख डालकर बात करने वाला कोई कौन माइक का लाल बोलता है? अवैसी बोलता है कि नहीं बोलता है? उस वक्त तुम्हारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? गर्दन ऊंची होती है कि नहीं होती है? तो अपने सीने को चौड़ा होकर जीना है कि नहीं है? नई राह बनाओ। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप को तौहीद की दावत दी तो बाप ने यही कहा, बेटा तुम तो सही कहते हो, लेकिन बाप दादा के जमाने से ऐसा ही होते आया है। जब भी आप देखेंगे जब नई कोई तहरीक उठी है तो हमारे मसलहत पसंद बुजुर्गों ने कहा है, बेटा नई राह बाप दादा ने वही कहा है। जो कौम बदलते हुए हालात में नई राह को इस्तेमाल नहीं करती, कोई बूढ़ा चाहे कि हम ऊंट पर ही आज हज करने जाएंगे तो अफगानिस्तान में जाकर लुट जाएगा, खाता को देख नहीं पाएगा। आज की बदलती ही सवारी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, आज के बदलते हुए सियासी मंजरनामा अपना लीडर हिंदुस्तान में आपको चुनना पड़ेगा। अपने अपना लीडर नहीं चुना तो फिर आपकी तारीफ की एक बड़ा उमदा माहौल आया है कि जब हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैली थी तो मुल्क गुलाम हुआ था,
और हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हो गया तो अंग्रेजों को भाग जाना पड़ा था। आज हमारी पार्टी का लीडर अशोक कुमार सिंह उसी इतिहास की दावत देने के लिए आपके दरमियान आया है। हमारी पार्टी पर इल्जाम था कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। हमारी दास्तान रही हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों को नहीं बल्कि तौहीद के नाम पर हमने सारे मसलक के लोगों को एक किया। महकमा के लोगों, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस दीन रहमत ने हमको और आप घोड़े और कालों में तमीज करने की बात नहीं की थी, बल्कि प्यारे आका ने तो फरमा दिया था किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी घोड़े को किसी काले पर, किसी काले को किसी घोड़े पर फौकियत नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, जो अल्लाह का तकवा अख्तियार करेगा वही हमारा अजीज है। ये जात पात, ये जान पहचान की जगह है, ये हमारे हसब नसब नामे, ये इज्जत इफ्तिखार का मसला नहीं है। अगर हसब नसब नामा इज्जत इफ्तिखार का मसला होता तो बनू हाशिम और कुरैश के खानदान का अबू लहब और अबू जहल को इज्जत मिलती, काला कलोटा गुलाम हब्सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जालू में सर नहीं रखता। हमारे दरमियान में जो मोहब्बत का पैमाना है, तकवा का पैमाना है, खानदान का पैमाना नहीं। खानदान की बुतों को तोड़ना हम पर वाजिब है। और मैंने सुना है कि यहाँ अंसारियों में और शेख में अगर कोई अंसारी अपने आप को कमजोर समझता है तो वो भी बड़ा गुनहगार है, और कोई शेख अपने आप को अफजल समझता है वो भी बड़ा गुनहगार है। बल्कि दो आलिम दीन के जुमले पर अपनी बात में खत्म करूंगा। हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब ने फरमाया कि ए मेरे भाइयों, दुश्मन की जब तलवार उठती है तो नहीं जानती कि तू शेख है कि सैयद है, मुगल है कि पठान है। दुश्मन की तलवार जब उठती है वो नहीं देखती कि तू सिया है कि सुन्नी है, हनफी है कि साफी है। दुश्मन की तलवारें जब उठती है तो नहीं देखती कि बरेली है कि देवबंदी है। दुश्मन की तलवारें तुमको कलमे के नाम को नेक समझती है। ऐ काश अपनी हिफाजत के लिए भी तुम्हें भूल जाते। दूसरा जुमला हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब दावत बरकात हो ने कहा, क्या कहा, ऐ मुसलमानों नादानों, मेरे लिए शर्माए थे, कहा तुम इस बात को लौटे हो कि तहरीमा सीने पर मान दोगे कि जेरा नाम मान दोगे। अरे नादानों, तुम्हारी गर्दनें बचेंगी तो तब तो तुम तहरीमा बांधेगा, अपनी गर्दनों को बचाने के लिए मुत्तहिद हो जाओ। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम है, कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ, मजलूम हो एक हो जाओ, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर विश्वास रखने वाले एक हो जाओ। आज मजलिस का पूरे मुल्क में आज वही लड़ाई है कि मुल्क की सरहदों के लिए जितना लड़ना जरूरी है, करगिल में, कश्मीर के वादियों में पाकिस्तान की गुंडागर्दी के खिलाफ जितना चाइना की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना जरूरी है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान के आईन के हिफाजत के लिए लड़ना जरूरी है। सरहदों से तो रगेद कर हम अपने दुश्मनों को फेंक भी सकते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान का आईन टूट गया तो ये मुल्क टूट जाएगा। और यही लड़ाई आज अशोक सिंह अब इसी साहब साहब के लड़ने का लड़ रहा है। मेरे भाई ये मत देखना, वोट तो किसी को देना है, चाहे इस अशोक को नहीं दूसरे अशोक को देना है, किसी पद्मावती को देना है, किसी सीधा सावित्री को देना है, लेकिन देख लेना कि उनके हाथ में डोर किनका है। पतंग तो आप उड़ाएंगे, भाई हमारा अशोक उड़ाएगा, लेकिन उसकी डोर अवेशी साहब के हाथ में होगा। ये आपके लिए बड़ा नियामत, बड़ी नियामत है ये कि पूरे हिंदुस्तान में महगामा से मेरा पैगाम जाएगा। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह के रसूल के हदीस आखिर में मौलाना के सामने में हम अपने अफकार की तस्दीक के लिए रसूलुल्लाह से पूछा गया। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह कयामत कब आएगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया जब अमानतों में खयानत हो। कहा अमानतों में खयानत से क्या मुराद है अल्लाह के रसूल? ताकि जब तुम ना अहलों को अपना अमीर बना दो तो ये अमानत में खयानत है और ये कयामत की अलामत है। एक आखिरी बात कह दूँ और जाते जाते, बहन बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता आता है, तहकीक करते हो या तारीफ देकर बारात तय कर लेते हो कि जिस दिन जो आएगा ठोस पासा लेकर ज्यादा दौलत लेकर आएगा उसको बेटी दे देंगे? नहीं, तहकीक करते हो कि लड़का कैसा है, खानदान कैसा है, चाल चलन कैसी है, आमदनी कैसी है। बेटी से मोहब्बत है तो दामाद के बारे में तहकीक करते हैं। अगर एक लड़का आवारा हो गया एक बेटी की जिंदगी हमारी और वहीं पर अगर एक नेता आवारा हो गया तो पूरी कौम की तारीफ बर्बाद हो जाएगी। बेटी के बारे में जितना सोचना जरूरी है उससे ज्यादा अपने नेता के बारे में सोचिएगा। अल्लाह आपको सही फैसले की तौफीक अता फरमाए। मेरी बातें हैं मुनासिब या किसी के दिल में कोई सवाल है नौजवानों उस सबसे होता है तुम्हारे घर में हूँ कोई तीन साल हम लोग बीजेपी की जीती है ये सोचते हो ना के रास्ते इस साहिल के कहने पर हाथ उठाकर तस्दीक कर दीजिए तो
जिनका हाथ नहीं उठा वो भी बता दीजिएगा हमको, उसके भी मतलब सवाल होगा। बड़े पाकिजा माहौल में एक पाकिजा जगह पर हम लोगों ने हाथ उठाया, अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हमारे और हमको सही तौफीक अता फरमाए। आज से आपकी जिम्मेदारी होगी कि अगर आपका अमीदार बन जाता है तो दोस्तों में रिश्तेदारों में फैलिए और लोगों को क्या कहा, पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, पहले थी क्या, जनसंघ। तो चौराहे का एक बनिया जनसंघ को वोट दे के आया, तो उसको दूसरे दुकानदार ने पूछा कि किसको वोट दिया, कहा कि जनसंघ को वोट दिए हम, कहा कि तुम्हारा नेता जीतेगा नहीं, वो तो हारने वाला है, तुम गढ़े में वोट डाल के आए। उसने क्या कहा था, सर ने 1985 में कहा था कि हाँ हाँ गढ़ा है, हर साल दो चार मिट्टी टुकड़ी मिट्टी देंगे तभी तो गढ़ा भरेगा। आज देखो जनसंख्या का गढ़ा भरा ही नहीं, पहाड़ बन गया है, तुम्हारा भी खड़ा है इस गढ़े को भरने के लिए, आगे आ जाओ।